हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूछि समस्ते ଭଲରେ ଥିବ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ ଜୋରସୋରରେ ଚଲାଇଥିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ମେନଲି ଫୋକସ କରୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ 2019 ର ଯେଉଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତାର ଆଜି ସିଡିପି ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 2019ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ହେଇଥିଲା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ତୋର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଅଲରେଡି ତୁମର ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ସରିଯାଇଛି ନା, ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜ୍ 3 to 5 ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ सॉरी सोशियो इमोशनल स्किल इंक्लूड ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट कोटा सोशियो इमोशनल स्किल अंडर रे जाउनी बोली से पचे छी। एबे मते फर्स्ट को सोशियो इमोशनल स्किल कहले कोन, तमे व्हाट टू भी जान पारथु को सोशियो इमोशनल स्किल कहले कोन, जो इमोशन उडा तमे रिलेटेड कोन रे गोटे इंडिविजुअल रो इमोशन ता सहित कोन तार रिलेशनशिप ता सहित थिबो सोसाइटी सहित थिबो, तो ताको कोन कह जाइथे ना सोशियो इमोशनल स्किल्स। करेक्ट बुझा पड़ा समस्त को? तो देखो कोटा नुहे बोली पचेची एक्सेप्ट पचेची बहुत थर कौन कौन कहते हैं एक्सेप्ट आउ इज नॉट, ए दीटा वर्ड को सब बड़े मार्क करके रखते हो बहुत सीटेड आउ ओटेड पाई को छे। तो कौन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर 3, लर्न द वैल्यूज ऑफ दिस सोसाइटी। बुझा पड़ा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कौन दीची, इन व्हिच ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड हैव ग्रोइंग पीयर ओरिएंटेशन yet they are strongly influenced by their family। कौन कहि छना तमरो को स्टेज रे पिला मन को माने फ्रेंड्स फर्स्ट प्रायोरिटी रे, से फैमिली हो के आउ के हो फ्रेंड्स सब बड़े फर्स्ट प्रायोरिटी रे। फ्रेंड्स जोडा कहबो सेटा पूरा माने बेदर गार भुलिया, एटा को स्टेज रे तमरो ये देखा जाइते ए टेंडेंसी पिला मन को पाथरे, एटा तमरो करेक्ट ऑप्शन हे जइबो लेटर चाइल्डहुड। बुझा पडला ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कौन दिसि देखो, which of this is not a principle of constructivism। एबे मते को constructivism कहले कोन, constructivism कहले तमे माने एक्टिवली गोटे जिंस को निजरो आईडिया माने निजरो नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करबा को तमरो constructivism प्रोसेस पनि थे। तो प्रिंसिपल्स से तार कोन कोन जीवो और नॉलेज त को हम निजे कंस्ट्रक्ट करथाउ, तमे ताको एक्टिव प्रोसेस रे कंस्ट्रक्ट करथाउ। तो देखो तमरो ऑप्शन गुडा कोन कोन दे दीछि, कोन दे छि देखो, द फंक्शन ऑफ कॉग्निशन is an adaptation of the reality, एडा तो हमरो कंस्ट्रक्टिविज्म रो गुडे प्रिंसिपल। नेक्स्ट कोन दिछि, नॉलेज इज एम्बेडेड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ज्ञान सामाजिक संदर्भ सहित जोडित। ऑलवेज आमे जहा भी सिखि थाउ हमरो सोसाइटी सहित किछि तो माने जोडित थाय ना, सेडा को आमे सिखि थाउ। सो एडा भी करना कंस्ट्रक्टिविज्म रो गुडे प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट अछि। इज नॉट पचारछि, भलोसे क्वेश्चन को पढिथिबो। देखिए नेक्स्ट कौन देखिए, देखो एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म सब कौन कहे, पिला मैंने निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट ऑप्शन कौन देखिए, देखो देयर इज वन ओनली वन अल्टीमेट ट्रुथ, यहाँ तुम हो गला इनकरेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर 4, तुम्हार जहाँ भी नॉलेज तुम जहाँ भी कंस्ट्रक्ट करो तुम्हें जोटा गोटे लिखाई थी से अल्टीमेट ट्रुथ, ता बाद तुम जो किसी भी कंट्राडिक्ट प्रूफ कल से कनसीडर कराइजनि, यहाँ कौन इट दिस इज ए नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए, देख अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड एट व्हिच ऑफ दिस स्टेज टेंस टू बी इगोसेंट्रिक। कहीथली मुँ तुमको बारंबार कही जितेबाड़े इगोसेंट्रिजिम वार्ड आस तुम्हारा आनिमिजिम वार्ड आस इरिवर्सिबिलिटी वार्ड आस बस किछि नै आखि बंद करके तुमको को ऑप्शन मारियार अच्छी समस्त रिकॉल कर तुमको मारियार अच्छी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यार करेक्ट आंसर हो जाव, क्वेश्चन पूरा पढ़ी दूसरी देख, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड एट व्हिच ऑफ दिस स्टेज टेंस टू बी इगोसेंट्रिक एंड struggle to see the things from the perspective of others, se mane au kaha perspective re se mane dekhya ko hi jantini, se mane jo da kahuchanti sei ta hi thik, baki je ta baad alga ko je this is wrong, ta ko stage re dekha jaitai tomaro pre operational स्टेज। तो देखो तुम्हारे को तीन टा वर्ड कहली, गोटे है तुम्हारा इकोसेंट्रिजिम, आ गोटे है आनिमिजिम, आ गोटे है इरिवर्सिबिलिटी। ये तीन टा वर्ड जिते बड़े भी तुम क्वेश्चन देख बस आखि बंद करके तुम्हारा प्री ऑपरेशनल पीएजी रे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे
मार्क आसिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 5 कौन दिसि देखो व्हिच ऑफ दिस इज नॉट व्हिच ऑफ दिस इज नॉट दिसि देखो इज नॉट ए डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पीआरजी जो चार्टर स्टेज दिथिले से लास्ट स्टेज कोडा थिला लास्ट स्टेज ताकर थिला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कोडा मेमोरी से पचा छि एटी देखो कोन छि फर्स्ट ऑप्शन रे चाइल्ड एट दिस स्टेज टेंड टू बी इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू एबे ही टिके अगर कहली तमरो इगोसेंट्रिक वर्ड आसला माने तमर सेटा इम्प्लाइज करिवो तमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज को एटा नॉट पचा छि आउ एटी दिसि तमरो फॉर्मल ऑपरेशनल सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now moving to next question. Question number 6. कौन दिखे देखो? A balanced development of a child happens due to कहाँ देखी? Only heredity देखी ही था? ना only environment, only evolution, ना only environment, ना both heredity and environment. इड़ा भी बारंबार repeated question है ता तर correct answer है जो both गोटे child रो टोटल ओवरऑल तर होलिस्टिक डेवलपमेंट परफेक्टली हबा पाई तर कोना कोड अमर यू तर रिस्पांसिबिलिटी बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोन दिची व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एगुडी को मध्यरु कोन एको उन्नत शिक्षा उद्देश्यर मुख्य वैशिष्ट्य नुहे बोली से पचारछि। क्वेश्चन नंबर 7 तर देखो कौन दिछि द लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड आइडेंटिफाई ए लर्निंग आउटकम तमे तमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कोले तमर कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रहय को तमे जोटा पाठ पढु छ तर डेफिनेटली गोर तमर किछि ने किछि लर्निंग आउटकम रहबो सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 रे कौन दिछि देखो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसिस्टेंट विथ द कोर्स गोल शिक्षा रो उद्देश्य पाठ्यर लक्ष्य सह स्थिर रहिबा उचित करेक्ट एटा भी तमरो कोना दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड ऑप्शन कोन दिछि देखो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड हैव ए मीनिंगफुल आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमरो लर्निंग सब बेले कोन तमरो पाठ पढन को तमे पाठ पढछ तमे ने जहा परि ता पढबो तमरो कोन गोडे परफेक्टली गोडे तमरो मीनिंगफुल जोडा भी तमे पाठ पढछ तार गोडे परफेक्ट तार गोडे मीनिंगफुल आउटकम आसियार अछि सेटा को दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बाद रे कोन रहला क्वेश्चन ऑप्शन 4 रे देख दबा कोन दिछि देखो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी जनरल and not catered a specific set of learner शिक्षा रो उद्देश्य साधारण हेबा उचित ओ विशेष प्रकार शिक्षार्थी को ध्यान देबा उचित होय देखो समस्त को इक्वल एक ठीक अछि किंतु जो माने टिके स्लो लर्नर अछि तांको कोन टिके बेसी एफर्ट देकि तांको मास्टरी लर्निंग माने पूरा गेन करिया पय कोन तांको टिके बेसी एफर्ट देबा पड़िबो सो दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर 4 मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखी देखो थॉट्स एज सिंपैथी पिटी मैटरनल लव अटैचमेंट इटीसी बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ अटेंशन को कैटेगरी ऑफ अटेंशन को से माने इंप्लाइज करथे बोली से पचार छी तो देखो अटेंशन हमर कोन अटेंशन ना गोटे होची तमरो कॉग्निटिव साइकोलॉजी अंडर रे जाउची तो जेतरे आमे जेतरे ई अटेंशन चैप्टर सब इन डिटेल्स पढिबा ना सेतबेले तार मु डिफरेंट टाइप रो सब रो एग्जांपल कहि देबी बस एबे मन लग देथाउ जे क्वेश्चन नंबर 8 रो तार करेक्ट आंसर हि जिवो अब्स्ट्रैक्ट अटेंशन ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 कोन दिस देखो द सोशल लर्निंग थ्योरी दैट एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग बस पेडागोजी रे गुटी जिन समान रखथाउ सबुबेले जो गुडा तमर कीवर्ड गुडा थाय ना से गुडा ऊपर बेसी एम्फसिस दबो। नेक्स्ट देखो ए क्वेश्चन रे केमति देखो दिछि द सोशल लर्निंग थ्योरी दैट एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ अदर वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच ऑफ दिस एमिनेंट रिसर्चर तो तुम ये कौन पचारि तुम जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किए देखिए गोटे पूरा सेंटेंस टाक जो से पूरा जो पूरा स्टोरी टाक लिखी पूरा जो गोटे लाइन में कहुए तो से पचार तुम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जोटा अच्छे से किए प्रपोज करते से पचार तो तार करेक्ट आंसर किए जी समस्त कह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी देते बांदुरा। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देखो मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग फ्रॉम ए टीचर हेल्प टू इम्पैक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इन ऑल दिस वेज अदर देन कौन ना तर करेक्ट आंसर कौटा ही कौन देख शिक्षकों द्वारा निरीक्षण छात्रों शिक्षा को डेस व्यतीत यही समस्त दिगरे प्रभावित करिथे को तार करेक्ट आंसर कोटा ही जीवो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर सी जजिंग देम केते बेले भी तमे गोटे पिला को माने कोन तांको आकलन कर माने जज निजर जज कर पर माने ए पिलाडा भलो पढुनी माने ये भलो पढुनी इन फर्दर भी से भलो पढिनि परबनी तो एटा होजी कोन ना दिस इज नॉट नॉट पचरची तो तंखना तार करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देसी देखो For which of this type of learner, role playing might be the key to help them connect with the lesson? So, the correct answer is kinesthetic, option number 1. Next question. Next question, kaun dechi dekho? Development and learning occur in and are influenced by which of these? Kaha dwara influence hoita hai pachachi? ओनली तुम सोशल आस्पेक्ट रे इन्फ्लुएंस होता है ना ओनली इकोनॉमिक आस्पेक्ट रे ना ओनली कल्चरल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट रे ना तुम सब आस्पेक्ट रे देखो लर्निंग एक्चुअली तुम सोशियाली जितकी ही था इमोशनाली भी सेतिक फिजिकाली भी सेतिक इकोनॉमिकाली भी से आस्पेक्ट रे से कौन ना तुम लर्निंग उपरे इफेक्ट इन्फ्लुएंस पकई था तो कौन देखी देखो सो तर ऑप्शन नंबर 4 is the correct option. All social, cultural and economical aspect influence the development and learning. Next question chalo. Next question kon dechi dekho. All of this factor contributes to the lower rate of girl child education except eguduko madhyaru ko guda sabu shiksha balika shiksha har komibara karan nuhe boli se pochachi except koichi to tar correct answer he jibo option number 4 kon dechi na no space in school school le kon school le samastanko pai sabu bele equal space thai जे जेते बेले इधर गोटे बॉयज आसु कि गर्ल्स आसु दे आर ऑलवेज वेलकम टू स्कूल एठी कोन पचाची नॉट पचाची देखो चाइल्ड मैरिज इज अ रीजन सिमिलरली माल न्यूट्रिशन आल्सो इन इज रीजन आ कोन ना लो सेल्फ एस्टीम कम आत्मसम्मान भी गोटे रीजन कोन ना जो तमरो रेट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन माने डिक्रीज होतबार एडा भी गोटे रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कोन दिसि क्वेश्चन नंबर 14 Which of these is not effective strategy for ensuring education to underprivileged and low-income group? कोटा गोटे तमरो effective strategy नुहे. कौन-कौन option देखि देख दबा? Question number 14 रो. कौन से देखो? Monitoring attendance and retention of the child from the weaker section regularly. तांको कौन ना? तांकरो उपस्थान को सबूत ना देखिबा. तांकरो कौन-कौन मने प्रॉब्लम कौन कौन होची दैनंदिन ताकू देखिबा द्वारा कौन है ना ताकू भी माने वेलकमिंग गोटे नेचर रो फील होबो जे मु गोटे इटे जेंती तो मले देखो देखो अंडर प्रिविलेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप रो आछि बोली ताके भी फील होबनी कौन ना से भी समस्तन को सहित इक्वली फील करबो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिसि देखो आइसोलेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड कल्चर इटे तो गोटे टोटली रॉन्ग सिस्टम ता एक्सेप्ट पचरची तो तार करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर 2 जेते बेले भी ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा आसीबो ना ताको बस पेशेंसली पढ़ियार अच्छी ए क्वेश्चन रो पढ़े सब इजी क्वेश्चन ही तुम्हारा सब आंसर लिखा दे जोटा तुमको लगे तुम्हारे मानते मैं तुम मोरालिटी दृष्टि तुमको लगे भूल से तार करेक्ट आंसर हो देखो ये देख ये कौन आइसोलेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड कल्चर के कौन पेरेंट्स आउ कल्चर ठू तुम जो कल्चर को बिलंग करते अलग कले कौन बेटर परफॉर्मेंस करेंगे ना ना तो तेणुकना तर करेक्ट आंसर कौन हो गला ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखी देखो व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हु इज गिफ्टेड एंड टैलेंटेड कोटा नॉट कहिजी सब गुडा से एथरो नॉट पचारि छी देखो व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर ए स्टूडेंट हु इज गिफ्टेड लर्नर गोटे गिफ्टेड लर्नर पई कोडा माने तुमको जो चारटा ऑप्शन दिछी को प्रोग्राम टा नहि बोली पचारि छी तो कौन अच्छी देखो फर्स्ट ऑप्शन ने कौन दी छी टू एनश्योर दैट द स्टूडेंट इज प्लेस्ड ओनली अमंग सिमिलैरिटी एज स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट
एंड एकेडमिक लिमिट एटा तो बिल्कुल एमिती करिया एक कथा नु गोटे तमरो गिफ्टेड लर्नर तबे गोटे टैलेंटेड स्टूडेंट अछि तो कोन तर मेनि धरे जो को भी पाठर तर क्यूरियोसिटी अधिक हैला तो सेते कोन ताकू तर टोटली इंटरेस्ट को इग्नोर कर दबा किबा ताकू समस्तक सहित एका सहित बसे दबा सेतिर तमे जहा पढ़ाबो समस्तक ता माने ता पई सेते कोन गोटे माने मॉडरेट लेवल रो पाठ पढ़ाबो ना गोटे गिफ्टेड लर्नर को कोन सब बेले हम अधिक अपॉर्चुनिटी दबा कि अधिक तर माइंड को से आउ अधिक डाइवर्जेंट थिंकिंग कर परबो अधिक तर क्रिएटिविटी इंक्रीज कर परबो नॉट पचरछि सो एठी तारो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन नंबर 1 एटा सहजिया क्वेश्चन गुडा सब थिला कोन देखो नेक्स्ट कोन दिस देखो समग्र शिक्षा द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस अदर देन तमरो जो समग्र शिक्षा अभियान स्कीम टा लॉन्च हेतला त के लॉन्च करथिले ना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट तार कोडा एम हे बोली से पचारछि त फर्स्ट कोन अछि देखो फर्स्ट हला क्वालिटी एजुकेशन एटा तो तार प्राइमरी एम कौन ना समस्त ऑल ओवर इंडिया रे समस्त पिलामन को पाई कौन ना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करबा नेक्स्ट कौन देछि देखो प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कौन ना धंदामूलक शिक्षा कौन ना जेते तुमरो फर्स्ट कौन होतला तुमरो माने जेते बेले तुमरो हायर सेकेंडरी लेवल लेबे कौन ना पिलामन को जो माने धर जो बेसी माने पाठ पढ़ा टी बहुत ही मैंने टी लो ग्रेड रही तो कौन ना कौन करा ना से एटलिस्ट वोकेशनल लर्निंग मैंने शिक्षा देने एटलिस्ट से लिवलीहुड हेले निजे मैंने अर्न करेंगे आपको डिपेंडेंट रहा पड़बानी तो कौन ना दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी एम ऑफ समग्र शिक्षा अभियान नेक्स्ट कौन देखिए देख इनक्रीजिंग सोशियल एंड जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन एटा तो टोटाली स्टेटमेंट टा ही रंग लिखाई तो तार करेक्ट आंसर कौट हो ऑप्शन नंबर 3 कौन समग्र शिक्षा अभियान तुम एटा एम केबे भी थाई पर को भी तुम स्कीम रो एटा केबे भी एम हम कि तुम सोशियल आउ तुम जो जेंडर बायसनेस गैप टा अच्छी ताकु इनक्रीज करबे नाही तो सो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो एबे मते को समग्र शिक्षा अभियान ता अंडर रे तीनटा थिला गोटे हला रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आउ कोन थिला आ गोटे थिला सर्व शिक्षा अभियान आ गोटे थिला टीचर एजुकेशन ए तीनटा को मिसेकिना तमर होतला समग्र शिक्षा अभियान बुझा पड़ला ना थरे थरे एगुडा भी पचार दे एटा मेन ओस्टेड रे पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कौन देसी देखो अंडर अचीविंग चिल्ड्रेन सो मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन तमरो जो अंडर अचीविंग चिल्ड्रेन थांती से मानकर को कैरेक्टरिस्टिक्स देखा दे थाय अदर देन पचार छि देखो अदर देन ए वर्ड गुडा को समस्त पूरा भल से मार्क करके रख अदर देन एक्सेप्ट इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट कौन दे देख पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड एंगेज इन द क्लास डिस्कशन जदि से एक्टिवली गोटे क्लासरूम जहाँ भी तुम पढ़ा होने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर डिस्कशन होता सेंगेज होता तो से अंडर अचीविंग लर्नर ही न था तो यह कहीगला ना अदर देन पचार तो तार करेक्ट ऑप्शन हो फर्स्ट ऑप्शन टा ही ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 18 कौन दी सोशियली बैकवर्ड चिल्ड्रेन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम यूजिंग व्हिच ऑफ दिस टेक्निक को टेक्निक रे हमें सोशियली जो बैकवर्ड लर्नर्स अछंती तांकु इन नॉर्मल क्लासरूम रे हमें इंटीग्रेट कर परबा क्वेश्चन नंबर 18 रो तार करेक्ट आंसर हे जइबो ऑप्शन नंबर 3 चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी देखो ए मल्टी ग्रेड टीचर मस्ट बी एबल टू फैसिलिटेट ऑल दिस एस्पेक्ट एक्सेप्ट इतरो सब गुडा नॉट एक्सेप्ट से गुडा ही पचार छी कोन छै देखो मल्टी ग्रेड टीचर कहले कोन थला तुमको बारंबार कहि छी जते बेला तुमर धरा जो बहुत सारा क्लासेस अछि किंतु सेटी नंबर ऑफ टीचर्स एज कंपैरिजन टू क्लासेस कम अछि तो माने टीचर्स कम अछंती तो सेतरे कोन करनदी ना गोटे टीचर साइमल्टेनियसली दीटा जगार क्लासेस कंडक्ट करती तो यहाँ को आम कौन कही था ना मल्टीग्रेड टीचिंग आठ पढ़े था आम कही था मल्टीग्रेड टीचर करेक्ट तो ये देख कौन से देख टीचर सुड नॉट ओनली टू बी प्रोवाइडर द नॉलेज बट ऑल्सो बी ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग बोथ एट ए ग्रुप लेवल और वन टू वन
बेसिस एटा कोन दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट तो देखो मु डायरेक्ट आंसर टा कहि दउची क्वेश्चन नंबर 19 रो तमरो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर 4 टीचर शुड एम टू स्टे विद इन द करिकुलम एंड एनश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन आर ट्रेंड एज पर द करिकुलम एटा नुहे बोली नुहे करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कोन छि देखो एक्सपर्ट टीचर्स आर possessing of all knowledge and expertise within the classroom students are viewed solely as a receptor of knowledge and information this kind of learning is termed as actually dekho ei mane 2019 na question bada sub bhalo thila बस ताकू टिके से फैंसी लैंग्वेज यूज करी की किबा ताकू टिके भल से दी तीन टिके बड़ बड़ लंबा करी की से ताकू दे दी छी आउ किछि नै तो देखो यार पूरा पूरा एते स्टोरी टे लिखला पर सब नॉर्मली माने को ओ एक एक को टीचिंग मेथड रे टीचर माने आसंती जने एक्सपर्ट टीचर एक्चुअली देखो टीचर अगर गुटे बस एक्सपर्ट वर्ड दे लगे दी छी कोन टीचर आसंती तापर सब तांगर पाठ को पढ़े 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 जानती आ कोन पिला माने खाली बस रिसेप्टर भड़ा माने ताको सुनु थांती एटा तो समस्त बे कहि परबो एटा को प्रकार लर्निंग हे गला एटा हे गला तमरो टीचर सेंटर अप्रोच सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21 कोन देसी देखो व्हिच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच कोटा तमरो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रो एडवांटेज बोली पचाची स्टूडेंट सेंटर अप्रोच कोइले को व्हाट नै जानि पो जोठी तमरो स्टूडेंट सेंटर रे अछि सेटा हे गला तमरो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच तो यार करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी कोन स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग आस्क क्वेश्चन एंड कंप्लीट टास्क इमीडिएट इंडिपेंडेंटली तो कौन ना स्टूडेंट माने कौन एथरे निजे सिखि थांती से माने पाठ गुडा को निजे निजे से गुडा को से माने इंडिपेंडेंटली टास्क जहां भी तांकू दिहाय थे से माने कंप्लीट कर थांती एटा हेगला तमरो आउ सेठी टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम कर थांती एटा हेगला तमरो कौन ना स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच बुझा पड़ला ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कौन देसी देखो ह्यूमन वॉइस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑडियो डिस्क और टेप ग्रामोफोन रिकॉर्डर रेडियो ब्रॉडकास्ट कम्स अंडर व्हिच कैटेगरीज ऑफ टीएलएम समस्त जानि सरबणी तमरो ग्रामोफोन हे गला ऑडियो हे गला त एडा कोन हे गला तमर हे जिवो ऑप्शन नंबर 1 ऑडियो टीएलएम क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देसी देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज शोकेसेस ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट एक्सेप्ट ए वर्ड टाको भल से देखिबो तमरो सीटेड रे मोस्ट ऑफ कोन देथे ना जोडा तमरो एक्सेप्ट थाय इज नॉट वर्ड गुडा को थे से ओडा गुडी बोल्ड करके लिखि दे किंतु एटी देखो तमरो ऑनलाइन रे एथिर किछ भी नॉर्मल वर्ड भले लिखाई छि तो कोन क्वेश्चन आछि तमरो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन शोकेस ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट तो तार करेक्ट आंसर पुडा हिजबो ना ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24 कोन देसी देखो Which of this is not a ideal characteristics of TLM? TLM कोइले कौन? TLM कोइले तमर हे गला देखो ब्रैकेट रे भी से दे दी छी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोडा तमर कैरेक्टरिस्टिक्स नहे बोली पचर छी कोन देखो शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल तमर कोन TLM रो मेन मोटो कोन रहला तमर कम कॉस्ट रे गुटे छुआ को परफेक्टली बुझाय पई जो तमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा तयार करबा होछ तमर तारो मेन एम तो कोन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल सिंपल वे रे जोडा कि तमरो जो माने गिफ्टेड स्टूडेंट थिबे से माने तो डेफिनेटली बुझिबे जो माने तमरो नॉर्मल स्टूडेंट थिबे किमा को माने जो माने बिलो एवरेज स्टूडेंट थिबे समस्त को पई करना टीएलएम टा तमरो यूजफुल रहइबो नेक्स्ट कोन दिसि देखो शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड टू द स्केल अनुपातिक ओ उपयुक्त मापक हेबा उचित दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TLM नेक्स्ट कोन देसी देखो इट इज द स्टूडेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट ऑल द TLMs फॉर टीचर नाही दिस इज अ रॉन्ग वन TLM कोन ऑलवेज टीचर प्रिपेयर करथांती एठी किंतु तमरो थर्ड ऑप्शन रे कोन देसी एटा को स्टूडेंट्स मानको रिस्पांसिबिलिटी से कहिची सो एक्सेप्ट पचर छी सो सॉरी एठी इज नॉट पचर छी सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर 23 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कौन दिस देखो चीटिंग इज ऑफन डन बाय द स्टूडेंट टू समस्त को
डेफिनेटली तुमने स्टूडेंट लाइफ रे केबे ना केबे तो चीटिंग करथिबो ही टिके ना टिके तरे कोन पई हम चीटिंग करतो ना मोर जति कि धर जो कोर्ट रे कहार बाबा 30 मार्क आ जाउ छी मोर जडा 35 हे जाउ सेति पई त कोन एटा तमरो फर्स्ट ऑप्शन रे गेट ए हायर ग्रेड तमरो बी ग्रेड आ छी मोर बी प्लस ग्रेड हे जाउ जहारो ए ग्रेड आ छी से चाहिबो तार ए प्लस ग्रेड हे जाउ त कोन हम चीटिंग नॉर्मली कोन पई करथाउ ना टू गेट ए हाई ग्रेड सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देसी देखो द टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू गज द स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग लेसन रो जान सकते यार आंसर कौन है ए जो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ कीवर्ड इन पेडागोजी कोना सब जिन सब मन रखे पॉसिबल नहीं हो तो कौन ना तब बस कीवर्ड गुड़ा को जे लख दबो से पूरा 30 रु 30 नेक्स्ट देखो ये कौन देसी तुम ड्यूरिंग ड्यूरिंग रे हेगला तुमरो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ये कोन गला ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी देखो टीचर यूज मेनी मेथड टू टेस्ट वेदर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक व्हिच टेक्निक अमंग दिस इज नॉट यूज कॉमनली बाय द टीचर कोटा तमरो टीचर यूज करना था तो कौन देखो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टीचर तुमको ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार था नेक्स्ट कौन देखो रिपीटेटिव चैंटिंग कौन ना बारंबार गोटे जिनस को जो मानते बारंबार कहवा तो सहीटा को कौन ना टीचर करना था सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देसी देखो कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट टीचर टू हैव ए गुड कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट द one which is not applicable to improving teachers so your correct answer put hai jibo question number 28 ra lack of insight in course details question number 28 ra option number 1 is the correct answer next question kon dise dekho this involves helpful structure and interaction between an adult and a child with the aim of helping the child achieves a specific goal for allowing the children to achieve the high level of development so the correct answer could hai jibo jo ethire kon koichi na tomaro gote shishu de achi se gote kaam ko se kari parchi taro at some point se difficulties face kala se kon na adult kimba ta to je more knowledgeable other achanti tanko to help nela pare se problem ta ko se sahajare solve kari parla how kon se से जो डिफिकल्टी लेवल तर अचीवमेंट लेवल डेवलप हो गला तो एटा को कोन कोन जे या को कह जेते तमरो स्काफोल्डिंग समस्त मते कमेंट सेक्शन में लिखि के जानिबो स्काफोल्डिंग को लर्निंग थ्योरी सहित तमरो कनेक्टेड अछि आ या को के देथिले चलो क्वेश्चन आजरो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कोन छि देखो व्हिच ऑफ दिस इज नॉट इन एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग रोल प्ले ड्यूरिंग द टीचिंग कोटा तमरो एडवांटेज नुहे बोली पचार छि देखो कोन छि गुड एनर्जाइज नेक्स्ट गुड एनर्जाइज कौन मैंने जिते गोटे प्ले वे मेथड कर भल एनर्जेटिक सहित तुम करमटा को सो एट दिस इज ए एडवांटेजेस नेक्स्ट कौन देसी देख प्रमोट्स एम्पाथी ऑफ द ट्रेनी फॉर अदर सिचुएशन कौन ना अन्य परिस्थिति प्रशिक्षण सहानुभूति प्रोत्साहित करे कौन ना जिते तुम गोटे सिचुएशन रे तुमको रोल प्ले मेथड रे पढ़ाला रोल प्ले मेथड रे तुमको पढ़ाला से मेथड टाकु तुम्हें आउ कोनसी अन्य सिचुएशन रे भी ताको यूज कर परबा सो दिस इज आल्सो एन एडवांटेज किंतु क्वेश्चन नंबर 4 माने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 रे तुमर कोनटा दिछ देखो अनफेमिलियर टीममेट्स मे लीड टू स्लो प्रोसेस सो दिस इज नॉट ए एडवांटेजेस ऑफ तुमर कोन ना रोल प्ले ड्यूरिंग द टीचिंग तो ये कौन ना दिस इज ए तुम कौन हो गला ना डिसएडवांटेज बुझा पड़ा ना ये मत तो क्वेश्चन गुड़ा को ये सब सहज लगे देख तुम अधार अधिक क्वेश्चन आंसर कौन ना तुम ये जो तुम सामने रखाई बाकी गुड़ा जमी बाकी इयर गुड़ा जमी तुमको समस्त को मैंने क्वेश्चन आंसर गुड़ा जहाँ किसी ना कि तुमको मन पकेगी ए सब कौटा नट कही कौटा एक्सेप्ट कही बस तुमको देख जो स्टेटमेंटा तुमको टी भी रंग फिल है दिस इज द करेक्ट आंसर है जी बता ये तो तुम्हारा 2019 रो फर्स्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन कंप्लीट है गला तो देखो यार डिटेल्स तुम्हारा आंसर रिटेन पीडीएफ तुम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जीवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे पिन कर दी छी आशा करबी वीडियो रे तुमनकु भल लागछि ओ हेल्पफुल भी रहिथिबो तबे निश्चय चैनल को समस्त सब्सक्राइब करबो ओ सांगमानक सहित शेयर ते मध्ये करबो आ निज निज मधरु गोटे लाइक ते कर देबो चलो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।